नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपकी अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आरबीसी क्लास 10 की जो हमारे सामाजिक विज्ञान की सीरीज चल रही है, पार्ट नंबर 1 चल रहा है, जिसका अंतिम वीडियो यानी आज आ रहा है, यानी पार्ट नंबर 5, यानी आज पार्ट नंबर 1 हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, इससे पहले इसके 4 वीडियो अपलोड नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आई बटन में चारों वीडियो के लिंक मिलेंगे, जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आज जो है ये पार्ट खत्म होने के बाद जो है कल जो वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ओल्ड पेपर्स यानी पिछले जो पेपर्स हुए हैं 2019-18 के, उनमें इस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, यानी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसका अपन एक कलेक्शन करके आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा ले जाए कि ये क्वेश्चन आए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा पार्ट अब स्टार्ट होगा, बाह्य आक्रमण व आत्म सातिकरण सख हूण व कुषाण, यानी तीन वंश और रहे हैं सुख हूण व कुषाण, यानी कि बाह्य आक्रमण करी थे। देखो, सक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति, यानी मध्य एशिया यानी मिडिल एशिया की एक लड़ाकू जनजाति, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिए थे, यानी पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेशों पर इसने अधिकार कर लिया था। यहाँ से सक बोलंदरे से लगभग 33 में भारत आए, और रामायण एवं महाभारत में सक बस्तियों को कंबोज और यवनों के साथ रखा गया, यानी रामायण महाभारत में इसे कंबोज और यवन कहा गया है। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यानी कालकाचार्य कथानक है उसमें भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिला है, जिसमें उन्हें सककुल यानी सक कुल कहा गया है। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में सक शासन की स्थापना की, यानी पहले उन्होंने सिंधु प्रदेश जीता और फिर जो सौराष्ट्र है गुजरात का क्षेत्र, वहाँ पर अपने शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है इनकी एक शाखा ने उत्तरपथ मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित किया, और कालांतर में वह अवंती सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गई, यानी सबसे पहले मथुरा में स्थापित किया, फिर अवंती, फिर सौराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र तक। तक्षशिला के शासकों में मावेज व एजज के नाम से आते हैं। तक्षशिला में शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा किया गया। हम्मस और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद के शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया, और मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा किया गया। पश्चिम भारत में शकों के शूरहारत वंश के भूमक और नहाब दो शासक क्या थे। इन शक शासकों से सातवाहनों ने कई प्रदेश जीते, महाराष्ट्र में काठियावाड़ा गुजरात प्रशासन किया, और नहपान के समय भारत तथा पश्चिम देशों में समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। जोगल थम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से प्रमाण होता है कि नहपान गौतमी पुत्र सतकिरणी से पराजित हुआ था, और सतकिरणी आपको पता है दोस्तों कौन था, हमने पीछे भी जिक्र किया, कौन था दोस्तों सतकिरणी, सतकिरणी जो है सातवाहन वंश में था। नासिक लेक में गौतम पुत्र सतकिरणी को शारहान वंश का अनमूल कहा जाता है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शासकों में चष्टन का नाम आता है, जिसमें उज्जैनी शक राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों और मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया है। चष्टन का पुत्र रुद्राधम महत्वपूर्ण शासक हुआ है, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। रुद्राधम का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण व विंध्य पर्वत तक फैला था। मुद्राओं से चष्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया। अब देखिए, हूण मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, जिसमें शकों की भांति भारतवर्ष में उत्तरी पश्चिमी सीमा की ओर प्रवेश किया था। ये दैत्य भी पुकारा जाए, यानी इनको दैत्य कहते थे। सर्वप्रथम 458 ईस्वी लगभग स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ, जिसमें उनकी पराजय, यानी स्कंदगुप्त के समय भारत आए लेकिन उनकी हार हुई। कालांतर में तोरमण नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा प्रदेश के महाराजाधिराज की पदवी धारण की। तोरमान का पुत्र मिहिरकुल था, जिसका राज्य 510 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। श्यालकोट इनकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिरकुल घृणा थी, उसने अनेक मठों व स्तूपों को नष्ट कर दिया, और मालवा के शासक यशोधर्मा से पराजित थे। पराजित होने के बाद यह कश्मीर चला गया। कश्मीर में अपने राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीति एक समाप्त हो गई। देश पुनः छोटे गया। कुषाण वंश, कुषाण को युची या तेचोरियन भी कहा जाता है। युची कबीला 5 भागों में बट गया था। इन्हीं से ये कबीले ने भारत को कुछ भागों में शासन किया। कुजल कडफिस प्रथम, ये अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिण अफगानिस्तान, कम्बल, कंधार और पर्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला, जिसमें वैदिक धर्म को शासन किया। ये कुषाण राज्य का नक्शा है। विम कडफिस द्वितीय, भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। ये सेव का
यानी शिव धर्म का शिव को मानने वाला था। इनकी मुद्राओं पर त्रिभुज त्रिशूलधारी व्याघ्र चर्मगिरी नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृतियां की। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के दिलाए थे। कनिष्क ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में से एक है। परंपरा के अनुसार इसके समय कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व के दिन चौथी बौद्ध संगीत हुई। इसके प्रथम राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर, दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने 78वीं ईस्वी में नया संवत लाया जिसे शक संवत कहा जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया था। उसने कासगर यारखंड और खेतान पर भी विजय प्राप्त की थी। महास्थान बोगरा में पैदल सोने की मुद्रा पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित है और मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली। इस प्रतिमा घुटनों तक चौगा और भारी बूट पहने ये देखिए कनिष्क की वो प्रतिमा है। कनिष्क की वेदी पर बलि देते हुए दिखा गया। कनिष्क की राजा में पार्श्व वसुमित्र अश्वघोष बौद्ध विचारक नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और तर्क जैसे चिकित्सा विद्वान थे। बौद्ध धर्म की महायान के शाखा का अभ्युद्ध प्रचार कनिष्क के उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 203 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफी लाभप्रद रहा जिसमें भारत की आर्थिक समृद्धि आत्मसत्मीकर शक हण हूण व कुषाण विदेश जाते थे। उन्होंने शासन तो किया परंतु धीरे धीरे भारत का साम्राज्य संस्कृति आत्मसर्ण हो गया। भारत के उद्धार प्रवृत्ति कारण ये बर्बर कबीले जाते हैं एक समाज अंग बने। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन शैव मत की निष्ठा और कनिष्ठ द्वारा की बौद्ध धर्म सेवा में से भारतीय राज्यों में अधिष्ठ करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया पार्ट कंप्लीट। दोस्तों इसके प्रश्नोत्तर हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं प्रश्नोत्तर करवा दूंगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो हम पाठ नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्रश्नोत्तर जो है मैं आपको बता देता हूँ कौन किस किसका प्रश्न क्या उत्तर होगा। पहला प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन से, महाजनपद कौन कौन से, तो इसका जो उत्तर है वो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। ऊपरी ऊपर देखिए यहाँ मिलेगा आपको राजस्थान के महाजनपद कौन कौन से है, तो राजस्थान के प्रमुख जनपद है आप देखिए जंगल है, मत्स्य है, सूरसेन है, शिवी है, ये राजस्थान के जनपद थे। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको 2 नंबर क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि अगला 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है बिंदुसार के समय यूनानी राजदूत का क्या नाम था, यानी बिंदुसार के समय कौन सा जो यूनानी राजदूत है वो आया था। आपको इसके लिए बिंदुसार पढ़ना पड़ेगा। बिंदुसार के अंदर चलते हैं हम, तो बिंदुसार के समय कौन सा राजदूत आया था, तो बिंदुसार के समय एक यूनानी राजदूत आया था, एंटिकोकस प्रथम का राजदूत आया था, डाइमेकस नामक व्यक्ति आया था। ठीक है, डाइमेकस इसका उत्तर हो जाएगा, डाइमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है, यानी पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है, तो पुराणों में अशोक का नाम देखना है आपको, तो अशोक आपको पढ़ना पड़ेगा। अशोक जो है इसमें ये आप जैन श्रुति दक्षिण भारतीय अभिलेखों में पुराणों में इसका नाम है, जैन श्रुति में दक्षिण भारत मासिक उत्तर अभिलेखों में जो नाम प्रिय मिलता है, और पुराणों में इसका नाम आपको इसका नाम वैसे पुराणों में दिखाई नहीं गया, लेकिन इसका नाम वैसे राज ये देवनाम्प्रिय और देव प्रिय दास यही नाम है इसका, पुराणों में यही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो दोस्तों वो था भैरद्रथ। समर्था नामक अधिकारी क्या कार्य करता था, यानी समर्था जो था वो अधिकारी क्या कार्य करता था, इसके लिए आपको मौर्य साम्राज्य में जाना होगा। समर्था समर्था इसका कार्य था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना, यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक का नाम था दोस्तों वो थी अर्थशास्त्र। पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे, यानी पतंजलि के शासक के काल में हुए थे, शुंग वंश में हुए थे दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के काल में हुए थे।
सातवाहन के सबसे प्रतापी राजा का नाम बताओ। यानी सात वाहनों के सबसे प्रतापी शतक है सत्कीर्णी प्रथम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था और वह किस शासक का दरबारी कवि था। ये तो आपको याद रखना है, ये आपके इसका गुप्त वंश में है प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति अरिसेन अरिसेन द्वारा रचित है और ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है, स्कंद गुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित किस झील का दोस्तों आपकी सुदर्शन झील है। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं का नाम बताइए। तो हर्षवर्धन ने कौन कौन सी ग्रंथ लिखे हैं वो बताना है। इसमें दोस्तों नहीं बताया गया, लेकिन ये कुछ नाटक लिखे गए हैं जैसे नागवल्ली, ऐसे नाटक लिखे गए हैं वो इसकी रचना है। पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयाय थे दोस्तों, सेव धर्म के अनुयाय थे। आगे नकारात्मक प्रश्न है, तो दोस्तों आप चाहोगे तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना न भूले। और कल जो है हम इसके पार्ट के जो प्रश्न हैं ओल्ड पेपरों में आए हुए हैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको ज़रूर देखना, आप ही बहुत कमाएगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।